अभी उपचुनाव की घोषणा हो गई है और उपचुनाव के बाद प्रत्याशियों के भी आप घोषणा होना प्रारंभ हो गया है। अभी दुमका बाय इलेक्शन के लिए जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा की, तो नाम जो घोषणा हुई है कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का नाम आया। क्योंकि तो झारखंड में शिवू सोरेन के परिवार, पहली बात तो संथाल परगना से बाहर वो राजनीति कर नहीं सकते हैं, बाहर से कहीं से वो चुनाव जीत नहीं सकते। तो संथाल परगना में ही पूरे प्रकार से पूरे परिवार को वहीं पर वो प्रयोग करते हैं। पहले अपने वहीं से विधायक रहे, सांसद रहे, पहले दोनों बेटा वहीं से रहे, बाद में बहू वहीं से हुई, अब छोटा बेटा भी फिर वहीं से अब इस बार वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उनको दूसरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और आप तो सुनते हैं कि उसके परिवार में और भी बहुएं लोग हैं, वो लोग भी कतार में हैं, अब उनके घर में बच्चे लोग भी हैं, वो लोग भी कतार में हैं। अब लगता है कि संथाल परगने की राजनीति में अब उस परिवार में जितने लोग हो गए हैं वहाँ तो 7 तो रिजर्व सीटें हैं मात्र। लगता है कि आने वाला कल में वहाँ के संथालों के लिए, दूसरे परिवार के लिए वहाँ संथाल परगने में कोई सीटें ही नहीं बचेगी। और इसलिए हम समझते हैं कि इस बार दुमका विधानसभा की जनता निश्चित रूप से उस परिवार को सबक सिखाएगी। पहले भी लोग सबक सिखा चुके हैं। पहली दफ़ा जब हेमंत सोरेन 2005 में जब चुनाव लड़े थे तो उस समय हेमंत सोरेन भी वहाँ दुमका से चुनाव हारे थे और उनके भाई जामा से दुर्गा सोरेन भी चुनाव हारे थे। मैंने परिवार से करीब करीब मुक्त सा हो गया था। फिर 2009 में मुख्यमंत्री रहते भी चुनाव लड़े थे और उस समय 2014 में, और उस समय वो चुनाव वहाँ से हार गए। अब हम समझते हैं कि इस बार वहाँ की मतदाता है, वहाँ की जनता है, इस बार तय करेगी। और हम लोगों से भी यही अपील करेंगे भाई, आखिर संथाल परगना में और भी संथाली परिवार है, और भी वहाँ आदिवासी परिवार है, उनको जगह मिलना चाहिए, उसको स्थान मिलना चाहिए। अब इस परिवार ने झारखंड राज्य के लिए जितनी आंदोलन किया था, हमें लगता है कि उससे कहीं तो उस परिवार ने वसूल कर लिया जनता से, राज्य से। अब उनकी वहाँ से विदा करनी चाहिए और इस बार निश्चित रूप से दुमका से उस परिवार की विदाई होगी।